जी सेकेंड ईयर आज का हमारा जो टॉपिक है वो थ्री पॉइंट फोर के क्वेश्चन नंबर फोर पे है इसका जो सेकेंड पार्ट है उससे हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट इज़ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्वेयर डी ऑफ एक्स पीछे हमने थ्री पॉइंट थ्री में एक क्वेश्चन किया था उसमें वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्यर इंटेग्रल इस तरह से था उसमें इम्पुटिंग कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा लेकिन वो डी में था ये इस तरह से आ गया अब इसको सॉल्व करने के लिए ये पार्ट भी यूज़ होगा लेकिन वो बाद की बात है अभी हम स्टार्ट करते हैं सपोज करते हैं कि इसके साथ वन मौजूद है ठीक है वन को सेकेंड फंक्शन रख लेते हैं इसको फर्स्ट जब ये फर्स्ट होगा तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ दैट इज एक्स स्क्वेयेर माइनस ए स्क्वेयर फर्स्ट की इंटीग्रेशन सेकेंड की इंटीग्रेशन दैट इज एक्स माइनस सेकेंड की इंटीग्रेशन एक्स और इसका डेरिवेटिव पावर वो लगेगा वन ओवर टू पहले देन फंक्शन की पावर में से एक कम फिर फंक्शन का विदाउट पावर दैट इज़ टू एक्स सो दिस इज़ एक्स केयर माइनस ए स्केयर माइनस ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा ये एक्स केयर बन गया इसकी जब पावर माइनस की तो वो माइनस वन ओ टू बन जाएगा इसको नीचे ले आए तो इस तरह से हो गया ठीक है अब ये बन गया इन प्रॉपर इंटेग्रल क्योंकि जितनी पावर ऊपर है उतनी ही नीचे है सो हम ए स्क्वेयर को ऐड भी कर लेते हैं और सब ट्रैक भी कर लेते हैं एक्स केयर माइनस ए स्केयर डी ऑफ एक्स ठीक है अब यहाँ से x इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर के नीचे एक्स स्वेयर माइनस ए स्केयर अलग कर लेंगे प्लस ए स्केयर के नीचे एक्स केयर माइनस ए स्केयर अलग कर लेंगे नेक्स्ट x इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्केयर अब इंटेग्रल भी अलग करते हैं एक्स स्वर माइनस ए स्केयर डी ऑफ एक्स एंड ये वाला माइनस यहाँ पे ए स्केयर एक्स स्यर माइनस ए स्केयर डी ऑफ एक्स एक्स इन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वेयर रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डी ऑफ एक्स माइनस ए स्केयर बाहर आ गया ये बन गया एक्स स्यर माइनस ए स्केयर डी एक्स अब ये तो दोबारा से क्वेश्चन आ गया ठीक है क्वेश्चन को हमने रखा हुआ था दिस इज आई सो आई इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस ये भी आई एंड माइनस ए स्केयर वन ओवर स्केयर माइनस डी एक्स ये वाला इधर आके प्लस होकर टू आई आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर अब जो ये वाला पार्ट है मैंने बताया था स्टार्ट में कि ये वाला पार्ट हम 3.3 में सॉल्व कर चुके हैं बाईस सब्सिट्यूशन आपने इसको बाईस सब्टिट्यूशन 3.3 वाले मेथड से उसमें क्वेश्चन सारा सॉल्व किया था उसको सॉल्व करना है वैसे ही इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट करेंगे और इसको आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ये पार्ट मैं नहीं करवाऊंगी मैं पहले करवा चुकी हूँ सो आपने इसको खुद करना है ठीक है इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर का ही फाइव पार्ट है वो आ रहा है एक्स स्क्र प्लस फोर डी एक्स सेम पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे वन है एक्स केयर प्लस फोर डी एक्स ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसी करेंगे जब आप तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर दिख लूँ जब इसको बाय पार्ट्स कन्वर्ट करेंगे आप तो लास्ट पे जो है सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा लेकिन उसमें हमारे पास बचा था नीचे एक्स केयर माइनस ए स्केयर डी एक्स इसको हमने सॉल्व किया थ्री पॉइंट थ्री वाले मैथड से ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर एंड पे हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स केयर प्लस फोर ये भी थ्री पॉइंट थ्री वाले मेथड में क्वेश्चन में सॉरी uh, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें अगर हमारे पास वन ओवर एक्स स्यर माइनस ए स्केयर आ जाए तो वहाँ हम सब्सिट्यूट करते हैं एक्स को ए सेकेंड थीटा और अगर वन ओवर एक्स स्यर प्लस फोर यानी के दरम्यान में प्लस आ जाए तब हम एक्स को सब्सिट्यूट करते हैं ए टेन थीटा ठीक है और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे क्लियर और अगर हमारे पास आ जाए वन ओवर ए स्केयर माइनस एक्स केयर यहाँ पर एक्स प्लस में था इनके दरमियान में माइनस है तो एक्स को ए सेकेंड थीटा पुट करेंगे अगर प्लस दरमियान में आ गया है तो एक्स को ए टेन थीटा पुट करेंगे और अगर एक्स माइनस के साथ आ गया है तो हम इस केस में एक्स को ए साइन थीटा पुट करते हैं ये सारे जो पार्ट्स हैं ये हमने सॉल्व किए हुए हैं थ्री पॉइंट थ्री में उसी मेथड को यूज़ करके आपने ये वाला पार्ट भी सॉल्व करना है क्लियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स है एक्स स्क्वेर ए की पावर ए एक ये पीछे भी मैं आपको बता चुकी हूँ इस तरह का एक क्वेश्चन आया था इसमें आप एक्स स्क्वेयेर को रखेंगे फर्स्ट फंक्शन इसको रखेंगे सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे और दो स्टेप का ये क्वेश्चन है आप ये ख़ुद सॉल्व कर लेंगे ठीक है और आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म हुआ इंशाल्लाह कल जो है हम क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट करेंगे थ्री पॉइंट फोर का